नेक्स्ट कॉलर हैं रेनू राजस्थान से हमारे साथ। स्वागत है रेनू आपका। जी सर नमस्कार। जी आदाब। नमस्कार, सवाल जी कीजिए। जी आदाब। हेलो, बताइए, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है, आप सवाल कीजिए। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ मैडम। बताइए। उसका वेट तो बढ़ता जा रहा है, वेट उसका कम करने के लिए कुछ बताइए आप। एज कितनी है बच्ची की और वेट कितना? वेट तो अभी मैंने तोला नहीं है, पर फिर भी 55 के आसपास है, एज और एज एज 17 साल। वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 17 साल में। फिर भी आप कम करना चाहते हैं तो एनिमल फैट बंद कराएं, 5 गिलास गर्म पानी पिलाएं रोज़ाना, 1 घंटा पैदल चलने को कहें, तो बग़ैर दवा के भी आप की बच्ची तंदुरुस्त रह सकती है और वेट कंट्रोल रह सकता है। और दवा भी अगर चाहिए तो घरेलू नुस्खा है बड़ा अच्छा। देखिए, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंठ, इसको आप 2 गिलास पानी में उबालें और इतना उबालें कि 1 गिलास रह जाए, तो फिर ये बच्ची 1 गिलास पानी पिया करे, और इसका बचा हुआ जो हिस्सा दवाई का है वो रखें और शाम को भी इसी को उबाल के पिए तो भी वज़न कम होना मुमकिन है। चलिए अगली कॉलर से बात कर लेते हैं। सुशील हैं पटियाला से हमारे साथ। स्वागत है सुशील आपका। आदाब अर्ज़ हकीम साहब। जी आदाब। जनाब मेरी उम्र है 48 साल है, तो जी मुझे शरीर कमजोरी हो रही है। अच्छा, कुछ और कहना चाहते हैं तो बता दीजिए। बस जनाब यही जो आप समझ रहे हैं। एक नुस्खा बता दूं, जो मर्द हजरात 40 के बाद की एज में पहुंचते हैं उनको जिस्मानी और मर्दाना कमज़ोरी 1-2 बार होती है, और उसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा है, आप लिख लें। देखिए, अश्वगंधा 50 ग्राम और हल्दी 50 ग्राम, अलसी 50 ग्राम, और इसमें मिलाइए 100 ग्राम गौन मोरिंगा। गौन मोरिंगा ज़रा मुश्किल से मिलेगा और नकली भी मिलता है, गौन मोरिंगा असली लेना, बाकी तो चीज़ों की आपको पहचान है ही। पाउडर बनाएं और 1-1 ग्राम दिन में 2 बार खाने के बाद ले सकते हैं, आपकी जो कमज़ोरियां हैं जिस्मानी और मर्दानी उनका वापस आना मुमकिन है। जी, इनके लिए कोई मेडिसिन? हाँ, अगर मेडिसिन के रूप में कुछ लेना चाहें तो हुस्ने सुलेमानी कैप्सूल आता है, हुस्ने सुलेमानी, तो वो ले सकते हैं, आपको वो भी यही काम करेगा। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं सुरेंद्र हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी नमस्ते सर। जी नमस्कार। जी आदाब। जी बताइए। मेरे जो है सर, ये बाएं घुटने में और ये इसमें जो है बाएं बाजू में और बाई तरफ सिर तक दर्द रहता है जी। एज बताइए। सर मेरे जो है बाएं इसमें घुटने में और बाएं बाजू में और ये बाएं शरीर में बाएं साइड में जो है सिर तक दर्द रहता है सिर तक। बेटा आयु बताइए, अपनी एज बताइए। एज मेरी 47 साल है जी। और कितने दिन हो गए इस दर्द को? ये कम से कम साल हो गए जैसे करता। अच्छा, देखिए एक नुस्खा लिख लीजिए आप और वो आप खाइए और आपके ये सारे दर्द का ठीक होना मुमकिन है। मेहनत ना करें इलाज के दौरान ज़्यादा, और धनिया सौंफ अलसी हल्दी और गौंसिया, ये 5 चीज़ें हैं, 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम खाना शुरू करें, ये मटेरियल ख़त्म होते होते आपका ठीक होना मुमकिन है। इसी के साथ अगले कॉलर हैं परमानंद पलवल से हमारे साथ। स्वागत है आपका। टीवी का वॉल्यूम सबसे पहले कम कीजिए वरना आपकी आवाज़ जो है वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। बताइए क्या जानना चाहती हैं। मुझे
वो एलर्जी है। एलर्जी आपको? हाँ। कहाँ पर? ये एलर्जी है, ये कमरी में। कहाँ पे? शरीर में होती एलर्जी तो एलर्जी में क्या है? पूरी बॉडी में इनकी एलर्जी है। नहीं, किस सूरत में होती है? खुजली होती है, छाले आते हैं? हाँ, खुजली होती है। ठीक है, एलर्जी का अच्छा इलाज है, आप खुद कर सकते हैं अपने किचन से। और वो आपके किचन में जो अलसी होती है वो 100-200 ग्राम, अगर नहीं हो तो बाज़ार से ख़रीद लें, हल्का सा भून के पाउडर बना लें, और एक चम्मच अलसी और आधी चुटकी खाने वाला सोडा मिलाकर दिन में एक बार या दो बार चंद रोज आप खाएंगे तो आपको फायदा होना मुमकिन है। चलिए, नेक्स्ट कॉलर है राजकुमार मेरठ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी जी, प्रश्न कीजिए अपना। थायराइड की दवा चाहिए। थायराइड है आपको? क्या उम्र है, कब से है, कौन सी गोली लेते हैं, कितने पावर की? अब तो 75 एमजी की चेप होगी, करनी पड़ेगी। एज बता दीजिए अपनी। 50 वर्ष। अच्छा, देखिए क्यों ना मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता दूं कि आपका थायराइड को फ़ायदा हो जाए, लेकिन आपको फॉलो करना होगा अपने डॉक्टर को भी और मेरे नुस्खे को भी। अपने डॉक्टर की बताई हुई दवाई आप खाते रहें जैसे वो बताएं, और हर महीने आपको फिर टेस्ट भी कराना है थायराइड का, ताकि आपको ये पता चले कि आपको हर महीने कितना फ़ायदा हो रहा है। धनिया, आंवला, मेथी। धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम। फिर बता देता हूँ, बहुत लोग सुन रहे होंगे, अच्छा इलाज माना जा सकता है इसको। धनिया 300 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और गौन मोरिंगा 100 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेकर आप पाउडर बना लें और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम पानी के साथ, ताज़ा पानी या गर्म पानी लेंगे तो बहुत अच्छा है। इसको आप दिन में दो बार ले सकते हैं उस गोली के साथ भी जो आपको थायराइड की डॉक्टर दे रहे हैं, और आपको अच्छा लगेगा कि हर महीने आपका थायराइड कम होने लगा और आपके डॉक्टर खुद आपकी गोली की पोटेंसी कम करते करते छुड़ा देंगे, और ये जो मटेरियल मैंने बताया ये ख़त्म होते होते मुमकिन है आप ठीक हो जाएं। हमारे साथ आशा हैं दिल्ली से, स्वागत है आशा आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। जी आदाब। नमस्कार जी। जी आदाब आशा जी, कैसे हैं आप? मेरे को दर्द रहती है, 40 साल हो गए मुझे दवाई खाते हुए। अच्छा, कहाँ दर्द है, कितनी उम्र है आपकी? पूरी नस नस में, हड्डियों में कमजोरी, वजन बढ़ा हुआ है, बहुत दर्द होता है, मेरे सर्वाइकल भी है। ठीक है, आपके पास पेन कॉपी है? पेन कॉपी तो नहीं, आप बता दो, वैसे मैं पढ़ी तो नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, देखिए भाई आप लिख लिए, लिखवा लीजिए, किसी पड़ोसी से लिखवा लीजिए, किसी से भी लिखवा लीजिए, एक बड़ा अच्छा नुस्खा है। और 40 साल से आप तकलीफ़ में हैं, मुझे उम्मीद है कि आप 3-4 महीने में आपको फ़ायदा मुमकिन है। लेकिन 2-3 बातें आपको करनी हैं। एक तो वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करना, जो कुर्सी वाला होता है, घर में नहीं हो तो दवा से पहले वो लगवा लें, ये बहुत ज़रूरी है। फिर एक्सरसाइज बताऊंगा एक, और एक दवा बताऊंगा। एक्सरसाइज ये है, ऐसे सीधा बैठे मेरी तरह, और ये आपको ऐसे जितना भी आपको मुमकिन हो 2-4 मिनट रोज़ाना करना ही है। और देखिए ये ऐसे बहुत आसान नहीं है, मैं आसानी से कर रहा हूँ, आपको नहीं होगा तो ये करने की कोशिश करिए। एक ये ऐसे पूरी तरह यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए ठोटी को अपनी, और ये भी 2-4 मिनट करिए। इस ये तो आपके सर्वाइकल का इलाज है, और 10 दिन में एक अच्छा रिजल्ट आता है इसका, आप यकीन करें और एक्सरसाइज करें। और एक गौंद आता है, गौंद स्याह ले लीजिए, असली लेना, गौंद स्याह यानी काला गौंद। गौंद स्याह 100-200 ग्राम ख़रीद लें और रोज़ाना इसको पाउडर बना लें, 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम खाएं, खाने के बाद, और
आठ दस दिन के बाद रिजल्ट आएगा इसका, और ये 100-200 ग्राम खत्म होते होते आपको फायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं राधे श्याम बिहार से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी, प्रश्न कीजिए। जी हम बहुत दुबले हैं। ठीक है, उम्र क्या है आपकी? हम आशिया कैसे बनेगा जी? 17 साल के हैं। कितने साल के आप? 17। 17 साल के? 17 साल जी। ठीक है, अच्छा देखिए, रोज एक नारियल पानी पिया करिए, और आपकी हैसियत अगर अच्छी है तो उसमें 0.5 ग्राम गौन मोरिंगा डालकर रोज़ाना एक नारियल पानी पिया करिए, आप देखेंगे कि चंद महीनों में आपकी सेहत का अच्छा होना मुमकिन है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही है? मैं अर्चना बात कर रही हूँ जी, हिमाचल से। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? मुझे एक्चुअली डायबिटीज है 10-12-11 साल से जी। ठीक है, तो मैं डॉक्टर साहब से कुछ मतलब पूछना चाहती थी या बात करना चाहती थी। बताइए बताइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे मैं 11 साल से डायबिटिक हूँ डॉक्टर साहब, तो दवाई लेती हूँ एलोपैथी, तो मुझे थोड़ा ये जैतून का सिरका डॉक्टर साहब अभी बता रही थी, तो मुझे जैतून का सिरका मतलब मुझे कितनी बार लेना है और क्या करना है मुझे आप बताएंगे प्लीज। ठीक है, हाँ देखिए, डायबिटीज वालों के लिए एक तोहफा है ये जैतून का सिरका, मिलता ज़रा मुश्किल से है, कहीं भी नहीं मिले तो हमारे यहाँ ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा देर में मिलेगा, और जिनको बहुत ज़्यादा है वो 2 बार ले सकते हैं, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद 2-2 या 3-3 चम्मच छोटे चाय के चम्मच पानी में मिला के लेना होता है, या अपने सालन में खाने में मिलाकर भी ले सकते हैं, ये जायके में खट्टा होता है और फ़ायदे में बहुत ज़्यादा है, तो ये आप लेना शुरू करें तो आपकी दवा की पोटेंसी कम होने लगेगी, और आप पूरी ज़िंदगी एक सेहतमंद ज़िंदगी जैसे नॉन डायबिटिक लोग गुजारते हैं ऐसा गुजारा कर सकते हैं। लेकिन उसमें 2-3 बातों का ख्याल रखें कि जितनी आपकी खुराक है, अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाया करिए, चाहे आप 2 घंटे बाद फिर 2 रोटी खा लें, चाहे आप 4 बार खाना खा लें, लेकिन डाइट कम लिया करें, और गर्म पानी आप जितनी बार भी पी सकते हैं, वैसे 5 बार तो पीना चाहिए, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है डायबिटिक को, और 1 घंटा पैदल चलने से बहुत फ़ायदा होता है, और मज़ीद ये जैतून का सिरका आप लेंगे तो बहुत आप सेहतमंद रह सकते हैं जी। इसी के साथ अगले कॉलर हैं माखन जी बालाघाट से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी सीने में गांठ हो गई, इलाज बताओ जी। सीने में गांठ जी, फीमेल के है लेडीज के हैं? हाँ लेडीज के है, किस साल उम्र है उसकी? कोई तकलीफ है क्या उनको उस जगह पर? कोई तकलीफ है क्या उनको उस जगह पर? उनके सीने का जो गांठ है उसका थोड़ा दवाई चल रहा था, तो थोड़ा अभी दर्द कम हो गया, लेकिन कभी कभी करना चालू हो जाता है। अच्छा देखिए, ज्यादातर फीमेल्स के महिलाओं के सीने में गांठें होती हैं, और अगर वो उनके कोई बच्चा वगैरह हो जाता है तो वो दूध के साथ दूध पिलाने में भूल भी जाती हैं, ऐसा भी देखा गया है, तो तकलीफ नहीं है तो उसकी परवाह ना करें, तकलीफ है तो फिर उसकी परवाह करें, और लेकिन कभी कभी मतलब 6 महीने में दर्द होता है, बड़ा नहीं होता मतलब अभी उतना ही बड़ा है। ठीक है, एज कितनी है इन महिला की? अभी शादी नहीं हुई। ठीक है, अच्छा देखिए, एक नमक आता है नमक कलौंजी ले लीजिए 100-200 ग्राम, और 2 चुटकी रोज़ाना गर्म पानी में मिलाकर पिएं,
एक चुटकी से शुरू करें, एक चुटकी में जितना भी नमक कलौंजी आता है वो एक गिलास पानी में मिलाएं और इसे पी लिया करें, एक एक बार पिए। उससे फ़ायदा होने लगे तो एक ही खुराक, एक ही चुटकी रखें, नहीं तो फिर दो चुटकी सुबह दो चुटकी शाम इन्हें पिलाया करें गर्म पानी में, और 5 बार गर्म पानी पिलाएं तो इनको फ़ायदा होना मुमकिन है।